कि एक क्रिएटिव डायरेक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, फिल्म एडिटर और एक प्रोफेशनल शेफ हैं। मोहित अकलकर के साथ बातों का ये सिलसिला शुरू करें, उससे पहले एक नज़र डालते हैं उनकी इस बयान पर जो उन्होंने साल भर पहले हमारे लिए ये बताते हुए दिया कि वो मराठी थिएटर के उस समय क्या परिदृश्य था, क्या सिनेरियो था जब वो थिएटर में उतरे। जब मैंने थिएटर देखना पहले स्टार्ट किया और फिर बाद में करने लगा, मैं लगभग 93-92 से नाटक एक्चुअली सीरियसली देखने लगा, और जब मैंने मेरी प्रैक्टिस स्टार्ट की वो शायद 1999 में है। लेकिन इस दौरान मेरे साथ जो काम कर रहे थे, मेरे पहले जो काम कर रहे थे, वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल काम था और मेरी आज की प्रैक्टिस पे उसका काफ़ी पॉजिटिव असर है। पूना में नई स्पेसेस खुल रही थी जो कन्वेंशनल थिएटर्स के अलावा खुल रही थी। जैसे एक स्नेह सदन करके था तो वो एक बहुत छोटी स्पेस थी, एक इंटीमेट हॉल सा था और वहाँ पे नाटक खेले जा रहे थे। समन्वय करके जो ग्रुप था, संदेश कुलकर्णी जिसको लीड कर रहे थे, वो वहाँ पे नाटक कर रहे थे। और वो नाटक देख के कुछ एक अंदर एक 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 फीलिंग तैयार हुई कि मुझे इस तरह का नाटक करना है। वो एक्टर्स जिस तरह से बोल रहे थे, जिस तरह से स्टेज पे मूव हो रहे थे, जो वो बात कहना चाह रहे थे, उसका काफ़ी डीप इन्फ्लुएंस रहा। सिमिलरली पूना में दूसरी एक जगह सुदर्शन रंगमंच करके स्टार्ट हुई, जहाँ पे काफ़ी सारे नए लोग अपना नाटक खेलने की सोच रहे थे। ऑब्वियसली वो एक कन्वेंशनल थिएटर के अलावा एक स्पेस थी जहाँ के कमर्शियल्स अलग थे, जहाँ पे आने वाले ऑडियंस अलग थी, तो ये पॉसिबल हो रहा था कि कुछ नया कहा जाए, कुछ नए तरीके से कहा जाए, और जिसके लिए एक ऑडियंस अपनी अपनी बन रही थी, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था। बॉम्बे में चेतन दातार आविष्कार के थे, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे। उनके नाटक में वो खुद तो लिखते ही थे, लेकिन काफ़ी लिटरेचर का सहारा भी ले रहे थे, तो एक अच्छा लिटरेचर भी हमारे सामने आ रहा था और एक पूरे आसपास में एक विगर था, एक एक उत्साह था, और अपनी भाषा में कहने की एक जिद थी। क्योंकि आज तक फिर ऐसे हो रहा था कि जो मराठी के स्टॉलवर्ट्स है, जैसे तेंदुलकर साहब है, इलकुंचवार सर है, आड़ेकर सर है, इनके अलावा एक स्टाइल ढूंढने की कोशिश हो रही थी कि इन सबको हम एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन हमें अपनी बात कहनी है अपने तरीके से। हम रात रात भर समंदर किनारे घूमेंगे। समंदर देखा है तुमने कभी? हाँ, बस एक बार अका में। मैं 6 साल की थी, तैरी नहीं, मुझे इजाजत ही नहीं मिली। हाँ, तो अब की बारी तुम्हें इजाजत मिलेगी। मैं रखवाली करता रहूंगा, बकबक जग जग करता रहूंगा। और जो महाराष्ट्र की जो कमर्शियल जो स्पेस है, जहाँ पे कमर्शियल थिएटर चलता है, व्यावसायिक थिएटर चलता है, वहाँ भी नई आवाज़ें थी। चंद्रकांत कुलकर्णी थे, विजय केंकरे, मंगेश कदम, ये नए डायरेक्टर्स वहाँ पे आए थे। वो अपने साथ अपने नए राइटर्स लाए थे, जैसे प्रशांत दलवी थे, अजीत दलवी थे, तो उनकी बात अलग थी। वो कन्वेंशनल थिएटर के फॉर्मेट में ही फिक्स था, लेकिन फिर भी वो नाटक काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थे, तो वो था। और साथ ही में नए राइटर्स तैयार हो रहे थे, जैसे राजीव नाइक है, प्रेमानंद गजवी है, मकरंद साठे है, जिनका एक जिनकी जो फॉर्म था वो खेल रहे थे फॉर्म के साथ और नया फॉर्म ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। सिमिलरली अतुल पेठे, मकरंद साठे, ये जो राइटर डायरेक्टर है, उनके नए नाटक आ रहे थे जो डीपली पॉलिटिकल थे, जो काफ़ी एक्सपेरिमेंटल थे उनके फॉर्म के मैटर में, उनके बात कहने के मैटर में, द सब्जेक्ट्स दैट दे वर ट्राइंग टू से पुट थ्रू।
वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था और एक ऐसा नाटक था जो मैं आसपास में नहीं देख रहा था, जिसने मुझे काफी आकर्षित किया. राजीव लाल एंड चंपा वेंट अप हिल टू हैव अ लिटिल हनीमून. राजीव लाल एंड चंपा वेंट अप हिल टू हैव अ लिटिल हनीमून. राजीव लाल एंड चंपा. वेलकम वन लेडी एंड वन जेंटलमैन टू होटल कश्मीर कश्मीर. जो मैंने देखा, सुना, जो बातें की, इस सबसे मेरे आज की प्रैक्टिस पे काफी सारा असर है. क्योंकि मैं देख रहा था कि मुझे किस तरह का नाटक करना मैं पसंद करूंगा और मेरा नाटक कैसा दिखे, कैसा सुनाई दे, और इसी के साथ ये भी पता चल रहा था कि मेरा नाटक कैसा ना दिखे. क्योंकि आसपास जो काम चल रहा था उसमें मैं ये पॉइंट आउट खुद को कर सक रहा था कि ये मुझे नहीं करना है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है. तो मेरी जो प्रैक्टिस थी वो इसके इन्फ्लुएंसेस से हुई और आज भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छे दौर में मैंने नाटक देखना और करना स्टार्ट किया. बहुत बहुत स्वागत है मोहित. थैंक यू. हमको बताइए कि अगर ब्रेख्त के सिद्धांत के हिसाब से देखें तो उसमें एलियनेशन एक बड़ा प्रोमिनेंट शब्द आता है. जबकि आपने अपने थिएटर ग्रुप का नाम आसक्त रखा, जो कि मतलब मेरा ख्याल अंग्रेज़ी में उसको इंडलजेंस कह सकते हैं. तो इस नाम के चुनाव के पीछे कोई थिएटर की जिस धारा को आपने चुना उसमें क्या कोई ये एक लोडेड बयान है, एक टिप्पणी? नहीं, ऐसा तो नहीं था. मुझे लगता है जिस पैशन के साथ हम तब सब लोग काम कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा था. मतलब लगभग हम सब लोग एक साथ ही रहते थे, एक साथ ही खाना पकाते थे, एक साथ ही नाटक करते थे, और वो शायद ऐसा था कि पूरे 24 घंटे से वही चलता था. तो वो एक आसक्ति सी बन गई थी. तो वहाँ से शायद वो नाम आया. तो ये जिनकी बात आपने की, आप बहुत से लोग, मतलब सब लोग, ये सब लोग कौन थे, जिसमें से एक सचिन का नाम अक्सर आप लेते हैं, ये सब लोग कौन हैं? राधिका आप्टे थी हमारे साथ. सागर देशमुख जो थे वो अभी बहुत अच्छे एक्टर, मराठी में हिंदी में काम करते हैं. और सारंग साठे थे, ओमकार गोवर्धन थे, वरुण नार्वेकर थे, आशीष मेहता थे, प्रदीप वैद्य थे. तो ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज नेट ग्रुप था. और वो सिर्फ नाटक नहीं था, वो किताबें पढ़ना, वो फिल्में देखना, घूमने जाना. तो ये पूरा ऐसे एक वन ऑर्गेनिज्म जैसा था. बहुत इंटेंस 6-7 साल काम किया, जिसमें हर साल लगभग हम 3-4 नाटक करते थे. तो हर नाटक की लगभग 3 महीना रिहर्सल होती थी. सो एक साल पूरा 12 महीने वी वर थ्रू आउट इन द रिहर्सल्स. तो ऐसे काफ़ी इंटेंस काम तब हो रहा था. फिर अगर आप देखें कि एक लंबी मराठी थिएटर की एक लंबी परंपरा की जो लीगसी है उसके कॉन्टिन्यूएशन में आप जब अपने आप को प्लेस करके देखते हैं, तो ये बातें अभी तो हम सुन भी चुके हैं कि आपने बताया कि आपको अपना एक अलग रास्ता बनाना था और क्या करना है से ज़्यादा ये सोचना था कि क्या नहीं करना है. वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है. लेकिन फिर भी अगर देखें कि उस वक्त करीब 20 साल पहले की अगर बात करें तो वो क्या सोशियो पोलिटिकल स्थितियाँ थीं और क्या क्रिएटिव नए चैलेंजेस थे जिसके बीच से आप अपना रास्ता बना रहे थे. और जाहिर है कि ये जो ग्रुप था जिनका नाम आपने लिया वो सब लोगों की अपनी अपनी एक इंडिविजुअल समझ और उनकी अपनी एक क्रिएटिव जर्नी है. तो इन सब चीज़ों के बीच में कौन सी ऐसी कशमकश थी जिससे निकल कर एक रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे आप लोग? जो नाम आ सकता है, आपने जैसे कहा इंडल्जेंस है,
तो मुझे लगता है पहले के काफ़ी नाटक ऐसे थे कि जो इंडल्जेंट थे, जो आज मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो वो सिर्फ मेरे प्रॉब्लम्स, मेरे कन्फ्यूजन, मेरी एज, माय सेक्सुअलिटी, तो ये लेके सब चलता था. एंड वी वर हैप्पी डूइंग दैट कि हम बहुत अच्छा नाटक कर रहे हैं. बट एज टाइम पास, थोड़ा आगे जाके यू नो आजू बाजू जो चीज़ें हो रही है, दैट स्टार्टेड बॉदरिंग अस, दैट स्टार्टेड इनवाइटिंग अस. वी मेट सर्टन फ्रेंड्स प्ले राइट्स थे, रामू रामनाथन है, मकरन साठे है, राजीव नाइक है, वो ऑल्सो जेंटली हमको आसपास क्या हो रहा है, हाउ आर यू रिस्पॉन्डिंग टू इट, की तरफ हमारा ध्यान थोड़ा वो कोशिश कर रहे थे हमें ले जाने की. एंड देन इट वॉज रिस्पॉन्स टू वॉट एवर दैट वॉज अराउंड अस. और अब और कुछ सालों बाद ऐसा लग रहा है कि एज एन आर्ट फॉर्म, एज एज थिएटर, हम क्या नई चीज़ खोज सकते हैं, कैसे और खुद को आजमाए जाए, इसके बारे में अभी ज़्यादा कोशिश जारी है. तो मराठी थिएटर है तो ऑब्वियसली इट हैज़ अ वेरी ग्लोरियस पास्ट, बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बहुत बड़े नाम हैं. आप प्ले राइट्स भी देख लो तो तेंदुलकर, आड़ेकर, एल कुंचवार, ओपो देशपांडे, सो ऑल मेजर प्ले राइट्स वो मराठी ऐसे. बट वो स्टार्ट जब कर रहे थे तभी से वो लगा, और बाद में शायद हम वो ओवरकम करने की हमने कोशिश की. तो ये जो हिस्ट्री का बर्डन है वो कहीं आपको ले नहीं जा सकता. एक पॉइंट के बाद आपको वो थोड़ा असाइड रखना पड़ता है, एंड यू हैव टू सर्च फॉर योर ओन इडियम, योर फिलॉसफी, योर फॉर्म इन थिएटर. तो वो एक मराठी थिएटर का इतनी ग्लोरियस हिस्ट्री का एक वैसे वो शाप भी है सभी लोगों को, क्योंकि वो उनको अपने कंधों पे लेके चलना पड़ता है. बहुत नए राइटर्स हैं जो लिखते हैं और इमीडिएटली उनको ब्रैकेट आउट किया जाता है कि ये एकदम तेंदुलकर जैसा है, ये एकदम एकदम आड़ेकर जैसा राइटिंग स्टाइल है. सो ये सब को बाजू रख के खुद की आवाज़ नहीं बनाना और वो उसके सामने रखना, ये एक मेजर टास्क सा बन जाता है. तो एक काफ़ी हद तक वो करने की कोशिश थी. तो ऐसे इट वॉज लाइक मैजिकल ईयर्स, बिकॉज आप हर रोज़ अगर कुछ क्रिएट कर रहे हो, इफ यू आर थिंकिंग, इफ देर इज़ अ लॉट ऑफ इंटरैक्शन, तो शायद कुछ अच्छा उभरता है, एंड इट मेक्स यू रिच, आप एनरिच हो सकते हो उस प्रोसेस में. तो वो चल रहा था आसक्त में उन दिनों. फिर आप देखिए कि दो टर्म्स बहुत बार बार आते हैं, कन्वेंशनल और एक्सपेरिमेंटल थिएटर के अगर संदर्भ में देखें. एक दूसरी चीज़ होती है कि दर्शकों की एक कंडीशनिंग होती है. आप कितने भी एम्बिशियस हो जाएं और कितने भी आप अपने बने बनाए दायरों को तोड़कर अपना एक नया ईडियम और बात को कहने का एक नया तरीका, उसको किसी न किसी खांचे में डाल दिया जाता है. लेकिन जो सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन सामने आता है वो है दर्शकों का फीडबैक, दर्शकों का वो एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स मिल पाना या ना मिल पाना. इस संदर्भ में अगर आप अपने शुरुआती अनुभवों को याद करें, क्योंकि उस वक्त तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा भी होती है और बहुत ज़्यादा लंबी लंबी उड़ानें होती हैं, और तब वो जो ये नाकामियाँ सामने आती हैं या फ्रस्ट्रेशन सामने आते हैं, वो कैसे हैं? आपने अभी जैसे कहा कि कन्वेंशनल थिएटर, तो एक तो उसको एड्रेस करते हैं, तो कन्वेंशनल थिएटर जहाँ पर कोई भी थिएटर हो, एक्सपेरिमेंटल हो, कन्वेंशनल हो, या और भी कोई अगर नाम हो, सो वो इनकम्प्लीट होता है विदाउट द ऑडियंस. यू नीड द ऑडियंस टू कम्प्लीट दिस आर्ट फॉर्म, दैट इज़ फॉर श्योर. नाउ कन्वेंशनल में क्या है कि यू नीड दैट रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑडियंस, एंड वो तभी फुलफिल होगा जब लोग उस तादाद में आएंगे, वो काम देखेंगे, तालियां बजाएंगे, आपको बाद में
वो बताएंगे कि कैसा लगा, उसे कमर्शियल्स भी साफ हो सकते हैं, वो एक होगा। अगर एक्सपेरिमेंटल है तो जहाँ तक मुझे लगता है ऑब्वियसली ऑडियंस ये सबसे इम्पॉर्टेंट घटक है उसमें, बट इट डजंट रिमेन देयर। मतलब ऑडियंस का रिस्पॉन्स इज नॉट एवरीथिंग। यू आर ट्राइंग टू पुट अप अ न्यू वॉइस, अ न्यू फॉर्म, आपको कुछ कहना है, तो वो हमारे दिमाग में पहले से क्लियर था कि अगर ऐसा कुछ करना है तो उस तरह से लोग नहीं भीड़ करेंगे जैसे और नाटकों को करते हैं। और अगर तुमको एक्सपेरिमेंटेशन ही करना है लेकिन आपको उस तरह की भीड़ चाहिए तो शायद कुछ गलत सोच रहे हो आप। तो अगर एक्सपेरिमेंटेशन करना है तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी, तो गिरने की संभावना होगी, और वो एक्सेप्टेड ही हो सकती है। तो वो हमने बहुत पहले एक्सेप्ट की थी कि ये करना है। लोग आए, सराहा, बहुत अच्छा कहा या नहीं कहा, वो उस हद तक, पर वो खुद की खोज क्या है, वो एक्सपेरिमेंट एक्चुअल क्या है। और एक्सपेरिमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि कुछ ऐसी चीज़ कर देना जिससे दर्शक ना जुड़े या समझ में ना आए या बहुत हैवी कुछ कहना है। इट कुड बी एन एक्सपेरिमेंटेशन इन फॉर्म, इन लैंग्वेज, इन कंटेंट। तो अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंटेशन है। तो फिर भी मुझे लगता है पूना का उस वक्त का जो दौर था वाज क्वाइट एक्साइटिंग। छोटे स्पेसेस बन रहे थे, जो बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स हैं उनको छोड़ के छोटे स्पेसेस बन रहे थे पूना में। सुदर्शन रंगमंच कर रहे, बहुत छोटी स्पेस है, पर ऐसी स्पेसेस बनने से क्या होता है ना कि हम वो बात रखने का, मतलब वो हौसला रखते हैं कि करके देखते हैं, अगर नहीं वर्क हुआ तो नहीं हुआ, दूसरा कुछ कर लेंगे। तो वो स्पेसेस बन रही थी, ऑडियंस डेवलप हो रहा था, क्योंकि एक साइड से मराठी सिनेमा भी थोड़ा यू नो इन दैट सेंस ग्रेजुएट हो रहा था, अलग हो रहा था। तो ऑडियंस थी, मराठी ऑडियंस वैसे भी आई एम श्योर बाकी जगह भी है, बट थोड़ी ज़्यादा मैच्योर है, लर्नेड है, बहुत सालों से थिएटर देखते हैं, तो वो इडियम समझते हैं, पढ़ते हैं, सो दे आर वेल नोन विथ लिटरेचर, लैंग्वेज। तो उस तरह से देर वॉज अ रिस्पॉन्स, एंड दैट रिस्पॉन्स हमेशा पॉजिटिव नहीं था। कई जगह पे बहुत ही क्रिटिसाइज किया गया, एक्सट्रीम लेवल पे, कई जगह पे बहुत अच्छा कहा गया। तो इतने सालों में मैंने वो सीखा है कि वो क्रिटिसिज्म अगर कंस्ट्रक्टिव है तो ऑब्वियसली हम उसको यूज़ कर सकते हैं उसका कुछ, लेकिन बहुत अच्छा कहा वो भी एक दरवाजे पे ही रखा, बहुत खराब कहा तो वो भी दरवाजे पे रखा। द क्वेश्चन वॉज दैट आफ्टर दैट शो, हम जब सब वापस मिल रहे थे, तब किसी को कुछ मिला क्या, किसी की जेब, मतलब कुछ है क्या यहाँ पे, मिल गया है तो देन वी आर डूइंग द राइट थिंग एंड लेट अस कंटिन्यू। इतना वो सिंपल था। अच्छा, ये सब करते हुए फिर बीच में आपने यूके जाकर थिएटर में कुछ मास्टर्स करने की सोची, इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी? क्योंकि आपके ही बयानों का अगर हवाला लें तो कभी आपको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आने की इच्छा थी, कभी आपको एफटीआई जाने की इच्छा थी, फिर आप आखिरकार यूके गए। बहुत इंटरेस्ट था कि फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल मतलब एजुकेशन इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि सब एक ऐसे चैनलाइजेशन नहीं होता है, बस अपनी एनर्जी सब जगह पे दौड़ रही होती है, उसको थोड़ा अगर ये करे और फोकस करे कि क्या सीखना है, क्या नया देखना है, उसके लिए शायद एजुकेशन की ज़रूरत थी। और जैसे वो इंडलजेंस की बात थी, तो वो एक पॉइंट पे ऐसे एक मुकाम पे पूरे ग्रुप ने ये किया था कि थोड़ा अभी सब लोग थोड़ा दूर जाते हैं और अलग अलग जगह पे जाके काम करते हैं, लेट्स वर्क विद अदर डायरेक्टर्स, लेट्स वर्क विद अदर एक्टर्स। जो हमारे स्टेज मैनेजर थे वो बाहर जाके दूसरे थिएटर फेस्टिवल्स में जुड़ गए,
कुछ जो कलाकार थे वो बॉम्बे शिफ्ट हो गए, अलग लोगों के साथ अलग लैंग्वेज में काम करने लगे और फिर वापस आते हैं और फिर मिलते हैं, ऐसे तय हुआ था। तो उसमें सबसे ये बात थी कि मुझे भी वो करना था क्योंकि नहीं तो फिर मुझ में क्या चेंज होता, तो इसलिए वो चाहती कि कुछ सीखा जाए। और इसलिए यूके में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्जीटर है, वहाँ पे थिएटर प्रैक्टिस और थिएटर डायरेक्शन का मास्टर्स का कोर्स था, वो इसलिए मैं वहाँ गया। मेनली ये था कि यहाँ रहकर जो एक दिन में जो इतनी सारी चीज़ें हैं वो सब दूर करके, एक सुबह हम उठते हैं तब से लेके शाम तक हम किसी एक चीज़ के बारे में सोचे, एक चीज़ के बारे में पढ़े, देखे, समझे, तो शायद कुछ मिले। तो वो इसलिए वो ज़ीरो डाउन किया था कि वो करे और उसे इमेंस बेनिफिट हुआ, मज़ा आया, बहुत चीज़ें सीखने को मिली, देखने को मिली। नाटक नाम की एक चीज़ है, वो कभी कभी हमारे यहाँ पे उसका एक ऐसा, एक्चुअली इट्स सच एन ओपन आर्ट फॉर्म, और यू नो देर आर 100 वेज टू इमेजिन अ प्ले और टू डू थिएटर, जो लेकिन इंडिया में कई जगह पे ऐसा होता है कि इस चीज़ को नाटक कहते हैं, इसको डांस कहते हैं, इसको म्यूजिक कहते हैं, सो देर आर कंपार्टमेंट्स। वहाँ जाकर वो पता चला कि इतना भी वो रिजिड नहीं है, इट्स अ वेरी फ्लूइड आर्ट फॉर्म। एंड अब थोड़ा अगर आपका ये विजन आप चेंज करो और थोड़ा घूम के देखो तो वो भी शायद नाटक हो सकता है, ये भी नाटक कहलाता है। एंड इट्स अ वेरी एकोमोडेटिव आर्ट फॉर्म, तो वो देखने को सीखने को मिला। बहुत थिएटर के मास्टर्स हैं जिनके बारे में पूना में रह के कम पढ़ा था, इतने किताबें भी अवेलेबल नहीं थी, यूट्यूब पे इतना कुछ अवेलेबल उस वक्त नहीं था, तो वहाँ जाकर उनकी किताबें सामने मिली, स्टैनिस्लावस्की हम कहते हैं, मायरहोल्ड कहते हैं, चेकॉव कहते हैं, बट सडनली आपको एक ऐसे एक रूम फुल ऑफ बुक्स मिले जिसमें आप चाहो वो बुक आप निकाल सकते हो, पढ़ सकते हो, कोई कॉन्सेप्ट है, कोई थियोरी है, कोई एक्चुअल एक्सपीरियंसेस है, वो सब पढ़ने को मिला। एंड हर रोज नाटक देखने को मिला, दैट्स अ लग्जरी। आई वाज ऑन स्कॉलरशिप तो मुझे प्रॉब्लम नहीं था वो पैसा खर्च करने में और वो नाटक में, तो हर रोज मैं कुछ देखता था। जो मेरे साथ वहाँ पढ़ रहे थे वो बहुत अलग अलग देशों से आए हुए थे, तो हर एक का बहुत अलग उसके ऊपर व्यू था, एक एक थॉट था, वो एक्सचेंज हुआ। सो व्हेन आई केम बैक आई वाज प्रिटी रिच। वैसे आपसे पूछें कि आपने पढ़ाई क्या की है, वैसे मतलब ये तो मास्टर्स आपने थिएटर में किया, वैसे आपकी क्या फॉर्मल एजुकेशन? मैं होटल मैनेजमेंट का पास आउट हूँ। ऐसे और अभी आप थिएटर के अलावा ये प्रोफेशनल शेफ की तरह तौर पे काम करते हैं? प्रोफेशनल शेफ की तरह नहीं करता मैं, बट मैं एक रेस्टोरेंट चलाता हूँ मेरा खुद का, तो वो भी आई मूनलाइट एज रेस्टोरेंट। पूना में छोटा कैफे नुमा छोटा रेस्टोरेंट है। अच्छा, ये तो अब बीच में हमने ये बात की थी कि चूँकि ये आर्ट ही एक बहुत कोलैबोरेटिव आर्ट है और आपने अपने साथियों के नाम भी लिए, जो एक पूरा दौर एक जुनून की तरह से गुजरा जिसमें पढ़ना, सोचना, करना और चीज़ों को बार बार बनाना। लेकिन अगर एक एज एन इंडिविजुअल बिल्कुल मोहित टाकलकर के बारे में पूछूँ कि वो उनकी क्या क्रिएटिव ट्रिप है, वो क्या मतलब चाहते क्या हैं, अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हैं, अपने थिएटर डायरेक्टर से क्या चाहते हैं, मतलब क्या तलाश क्या है आपको? पता नहीं, इसका अगर जवाब इतना आसान होता तो शायद इतने साल नहीं उसमें जाते। पता नहीं, मुझे वो रूम बहुत पसंद है रिहर्सल की, जिसमें और 15 लोग वहाँ पे पागल हो जैसे काम कर रहे हैं। आपका सिर्फ एक्टर्स नहीं, आपके बैक स्टेज के लोग हैं, आपके लाइट
लाइटिंग डायरेक्टर है, साउंड है, ये है, वो माहौल जहाँ पे एवरीबडी हैज़ अ से, एवरीबडी हैज़ अ स्पेस कि मुझे ये ठीक लग रहा है, मुझे ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, वो जो द डिबेट्स इन्वॉल्व, द आर्ग्यूमेंट्स इन्वॉल्व, एंड दैट पॉइंट ऑफ इस सब के बाद में यू ट्राई एंड क्रिएट वन मोमेंट इन थिएटर विच जस्ट बिकम्स मैजिकल फॉर यू, यू नो, बिकॉज इट इज़ नॉट देयर, इट इज़ नॉट इन द रिटन वर्ड, इट इज़ नोवेयर, एंड सडनली 5-10 पीपल कम टुगेदर एंड दे क्रिएट वन अमेजिंग मोमेंट. सो दोज, टू क्रिएट दोज मोमेंट्स, आई थिंक दैट इज वॉट जो सर्च है वो पूरी तरह उस पर है. एंड राइट नाउ या अभी जो ये 20-25 साल जो है उसमें इट वॉज ऑलवेज अ क्वेस्ट या ऑलवेज वो तलाश थी उन छोटे मोमेंट्स की. तो वही शायद करने की कोशिश कर रहे हैं. और यहीं पर वो एक दुविधा सी पैदा होती है कि जब आप अपने क्रिएटिव ट्रिप में होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आपका खुद का भी कहना है कि एक कविता को पेश करने के एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं, अगर उसको थोड़ा थोड़ा अतिशयोक्ति करके कहें तो हज़ारों तरीके हो सकते हैं. जब आप उसे पढ़ रहे होते हैं, इमेजिन कर रहे होते हैं, उसकी एक क्रिएटिव एग्जीक्यूशन की प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो उसके बहुत तरीके हो सकते हैं, लेकिन आखिरकार आप किसी एक तरीके को फ्रीज करते हैं, और जैसे ही उसको आप कमोडिफाई करते हैं तो बाकी सारी संभावनाओं की मौत हो जाती है. और यहाँ पर एक एज अ डायरेक्टर जो दूसरी सलाहें मशवरे आते हैं उसमें एक अथॉरिटेटिव मतलब फिर क्या एक डायरेक्टर के तौर पर आपका क्या रवैया रहता है, क्योंकि आखिरकार उस एक रास्ते को ही तो फ्रीज किया जा रहा है. बिल्कुल भी सही, क्योंकि इट इज़ अ वेरी वॉयलेंट एक्ट, यू नो, यू से दैट ये होगा, सो द मोमेंट यू से दैट ये होगा यू आर रूलिंग आउट 10-12 डिफरेंट थिंग्स, द पॉसिबिलिटीज ऐसे. बट आई थिंक यू नो मैंने कभी ये देखा नहीं कि वो अथॉरिटेरियन जो आप कह रहे हो, आई फाइंड इट एक्सट्रीमली डेमोक्रेटिक ऑल्सो इन अ वे. एंड आई एज अ डायरेक्टर मुझे ये अच्छा लगता है टू बी इन द रूम एंड टू बी इन अ पोजिशन टू से आई डोंट नो. अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अभी ऐसे होता है कि कुछ भी है तो आप बताओ, आप बताओ, एंड दैट इज़ वेयर वी आर स्टार्टेड किलिंग ऑल द पॉसिबिलिटीज. मेरा जवाब बहुत बार ये होता है कि मुझे नहीं पता, करके देखते हैं, एंड देन व्हाट स्टेज एंड व्हाट रिमेन्स वो हम सबको पता चलता है. आई डोंट थिंक अ डायरेक्टर शुड नो ईच एंड एवरीथिंग. दैट प्रोसेस इज नॉट ओनली फॉर एक्टर्स, इट इज ऑल्सो फॉर द डायरेक्टर. क्योंकि एवरी डे आप जब रिहर्सल रूम में आते हो आपको पता होता है कि मुझे ये अचीव करना है, ये काम अचीव करना है, बट दैट डजंट मीन कि आपको हर एक बात पता हो. एंड आई थिंक दैट दैट पोजिशन इज सो वैल्यूएबल, इनवैल्यूएबल आई वुड से, कि टू बी इन दैट पोजिशन एंड टू ऑब्जर्व, टू लेट थिंग्स हैपन, उसके पेस से वो होने दो एंड वी विल गेट अ बेटर पिक्चर एंड देन वी कैन गो अहेड विद इट. ऑल्सो इट्स थिएटर, सो इट्स नथिंग इज की एक लाइक इन स्टोन, ऐसा कुछ भी नहीं है. हमको ये आज लग रहा है एंड टुमारो हम सब जो भी आज तक तय किया वो सब रूम के बाहर फेंक देंगे और नया कुछ बना सकते. दिस पॉसिबिलिटी इन इट सेल्फ इज सो, यू नो, सो डेमोक्रेटिक. तो बहुत बहुत शुक्रिया मोहित, आपने हमारे लिए इतना वक्त निकाला और इतनी सारी बातें हम जान सके आपके बारे में, आपकी क्रिएटिव जर्नी के बारे में. बहुत शुक्रिया. थैंक यू. गुफ्तगू में आज थे हमारे साथ मोहित टाकलकर, जो कि एक क्रिएटिव डायरेक्टर, एक्टर, राइटर, फिल्म एडिटर और रेस्टोरेंटर हैं. कुछ कहना चाहते हों आज के इस एपिसोड के बारे में तो आप हमें लिख सकते हैं contact@guftaguwithirfan.com पर. और इस हफ्ते जो प्रतिक्रियाएँ आपकी हम तक